अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम सूरह अहज़ाब का ये है रुकू नंबर 4। वो स्टार्ट करेंगे। फातिमा आप शुरू करें आयत नंबर 28। जी बेटे स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا। तर्जुमा, ए पैगंबर अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और इसकी जीनत और आराइश की ख्वाहिशगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुख्सत कर दूं। ये है आयत नंबर 28 और मेरे ख्याल आप 29 भी साथ ही पढ़ ली, क्योंकि ये दोनों आयतें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या। وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا। और अगर तुम खुदा और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकिबत के घर यानी बहशत की तलबगार हो तो तुम में जो नेकोकारी करने वाली हैं इनके लिए खुदा ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। ये है आयत नंबर 28 और 29। आयत नंबर 28 को आयत तखयीर भी कहा जाता है। आप लिख लें पॉइंट, आयत तखयीर। इसमें इख्तियार दिया है अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनकी बीवियों को क्या इख्तियार दिया है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और 29 में भी अल्लाह ताला ने उस इख्तियार की वजाहत की है आयत नंबर 29 में। असल में हुआ ये था कि जब कुछ फतूहात होने लगी मुसलमानों की, तो उन फतूहात के बाद माल गनीमत जो था वो कसरत से आने लगा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के जो माली हालात थे वो आसूदा होने लगे थे और आसूदगी की तरफ और खुशहाली की तरफ जाने लगे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आपसे तकाजा किया था कि आप हमारा जो घर का खर्च है उसमें कुछ इजाफा कर दें। अगरचे ये तकाजा कोई ऐसा नाजायज या कोई गलत तकाजा या मुतालबा नहीं था, उन्होंने उस आसूदगी को देखते हुए ये तकाजा किया था, लेकिन चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाली थी और उनको असल में तमाम मुसलमानों के लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा था, तो आपने जाती तौर पर उस लग्जरी को या उस आसूदगी को पसंद नहीं किया बल्कि फ़क्र इख्तियार किया और कनात पसंदी को तरजीह दी, ताकि जो वो मुसलमान या वो लोग जो दुनिया में इतना माल नहीं रखते उनके जहन में ये तसव्वुर ना रहे कि इस्लाम जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों का दीन है जो माली तौर पर आसूदा है और जो माली तौर पर कमजोर हैं उनके लिए दीन जो है वो इतना कुशादगी नहीं रखता या इतनी आसूदगी नहीं रखता। तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के लिए आपकी जिंदगी एक मिसाली नमूना थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवियों का ये मुतालबा पसंद ना आया और जिम्मेदारियों के जो का बोझ था वो भी आप पर ज्यादा था, इसलिए भी अल्लाह ताला ने ये आयत तखयीर नाजिल की। लेकिन ये आयत कब नाजिल हुई थी? ये तब नाजिल हुई थी जब आपकी बीवियों ने तकाजा किया तो आपने उन बीवियों से अलहदा होकर यानी उनके हुजरों में नहीं आप गए बल्कि आपने तकरीबन एक माह के लिए अलहदगी अख्तियार कर ली और आप अपने बाला खाने में तशरीफ फरमा रहे एक माह तक। फिर एक माह के बाद अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला खाने से नीचे तशरीफ लाए। सबसे पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ ले गए और उनसे कहा कि आयशा मैं तुम्हें कुछ बताने लगा हूँ लेकिन तुम जवाब देने में जल्दी ना करना।
फिर आपने ये वाली सूरह अहज़ाब की ये दोनों आयात तिलावत फरमाई कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत व आराइश की ख्वास्तदार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। यानी अगर तुमने मेरे साथ रहना है और गुजारा करना है तो फिर दुनिया के माल और दुनिया की आसाइशों को छोड़ना पड़ेगा। ये इख्तियार दिया था अल्लाह ताला ने। असल में ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदगी इख्तियार की थी ये ईला के नाम से मशहूर है। आपने कसम खा ली थी एक तरह से। इस कसम खाने को अरबी में ईला कहते हैं और इसको वाकई ईला के नाम से याद किया जाता है। आपने कसम खाई थी लेकिन तलाक नहीं दी थी अपनी बीवियों को। और मतलब मुसलमानों में ना एक तरह से ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि शायद नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उनकी बेटी हजरत हफ्सा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, आपकी बीवी थी, तो वो बड़े खौफजदा हो गए और बड़े डर गए और इस डर और खौफ की वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊपर बाला खाने में तशरीफ ले गए और अंदर आने की इजाजत तलब की तो आपको पहली दफा की इजाजत ना मिली लेकिन आप वहीं खड़े रहे और इंतजार करते रहे। फिर दूसरी दफा इजाजत मांगी फिर ना मिली, फिर तीसरी दफा जब इजाजत मांगी तो इजाजत मिली तो आप अंदर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब खुदरी चटाई पर लेटे हुए हैं जिस पर बिस्तर नाम की कोई चीज नहीं और तकिया भी आपने एक ईंट का अपने सर के नीचे ईंट को तकिया बनाकर रखा है तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजरत उमर बोले कि या रसूल अल्लाह हमारा दीन हक पर है, आप हक पर हैं, आप सच्चा दीन लेकर भेजे गए हैं तो क्या वजह है कि कैसर और कसरा के जो बादशाह हैं और उनके हुक्मरान हैं वो तो दुनिया के ऐशो इशरत और मजे लूट रहे हैं और हम जो हक पर हैं सच पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तंगी में गुजारा कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर बैठ गए, आप लेटे हुए थे, आप उठ कर बैठ गए और आपने कहा उमर क्या ये बेहतर नहीं है कि वो दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत के मजे लूटे। उसके बाद हजरत उमर जो थे वो बैठ गए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह कि आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है तो आपने फरमाया नहीं तलाक नहीं दी तो आपके दिल को कुछ ढारस हुई। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ देर गुफ्तगू करके फिर नीचे आए और फिर अपनी बेटी के पास गए और अपनी बेटी से कहा कि हफ्सा तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम उससे मांग लिया करो लेकिन अल्लाह के रसूल को दुनियावी मामलात में तंग मत किया करो। तो उसके बाद यानी एक माह के बाद अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की और उनकी बीवियों को ये अख्तियार दे दिया कि ये लाइफ स्टाइल जो है या ये जो तर्ज जिंदगी है ये अल्लाह के रसूल ने खुद इख्तियार किया है, अगर तुम्हें ये मंजूर है ये तर्ज जिंदगी के साथ गुजारा करना तो तुम्हें इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पड़ेगा और अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो तो चलो ठीक है फिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा रसूल को। तो इसीलिए इस मुनासबत से इस आयत को आयत तखयीर कहा जाता है। हजरत आयशा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सोचने की और पूछने की क्या बात है, मैं तो आपको और अल्लाह को ही पसंद करती हूँ तो और मुझे दुनिया का माल नहीं चाहिए। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बशाशत भी आ गई और आप रिलैक्स भी हो गए। फिर बारी बारी तमाम बीवियों से आपने ये सवाल किया और सबने यही जवाब दिया, बिला तामुल यही जवाब दिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल को ही पसंद करते हैं, हमें दुनिया के माल की कोई तमन्ना नहीं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम खुदा और उसके पैगंबर और आखिरत के घर यानी बहिश्त कहते हैं जन्नत की तलबगार हो तो तुम में जो नेकोकारी करने वाली है उनके लिए खुदा ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। ठीक है, अगली आयत है या निसा अन्नबी, ये पढ़े यूनुस साहब। यूनुस माइक अनम्यूट करें बेटा। अभी बुला आप पढ़ें। Thank you.
نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ترجمہ پیغمبر کی بیویو تم سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ بات خدا کو آسان ہے. یس مس ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے اور ہم اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کی بیویوں کو ہی مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ بات خدا کو آسان ہے. اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نہیں کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یہاں پر کیوں دگنی سزا اور دگنا اجر کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں کوئی عام خواتین نہیں تھیں, وہ پوری امت کی مائیں تھیں. ان کو امہات المومنین کہا گیا, وہ ازواج مطہرات تھیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے, تو تمام خواتین کے لیے بھی, مسلمان خواتین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ہماری لیے وہ امہات تھیں, ہماری مائیں تھیں, امت کی مائیں, وہ نمونہ تھیں. تو اگر اول تو ان سے کوئی ممکن نہیں ہے کہ وہ دانستہ کوئی غلطی کرے جان بوجھ کر, لیکن اگر انجانے میں بھی غلطی ہے تو ان کے لیے پکڑ بھی زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے جس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے نا اس کی پوچھ زیادہ ہوتی ہے, اس کے اوپر سرزنش زیادہ ہوتی ہے. جو جتنی بڑی پوسٹ پر ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کے لیے اس کی باس پرس بھی زیادہ ہوتی ہے, اسی سے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وارن کیا. یہ صرف ایک تنبیہی الفاظ, خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ان سے گناہ سرزد ہونے کا کوئی امکان اس طرح کا نہیں تھا, لیکن ان کو ایک وارننگ, ایک تنبیہی انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ تمہارا رتبہ اور مرتبہ اور درجہ عام خواتین کے مقابلے میں بہت بلند ہے, تو اس اعتبار سے تمہاری کوئی ہلکی سی خطا جو ہے وہ باقی سب کے لیے ایک نمونہ بن جائے گی, تو تم نے احتیاط کرنی ہے اور تم نے بہت محتاط زندگی گزارنی ہے. اس لیے ان کو یہاں پر ایک وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبے اور درجے کے اعتبار سے. یہاں مقصود اس آیت کا کانٹیکسٹ, اس آیت کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ وہ سرزنش کی جا رہی ہے, بلکہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ چونکہ تمہارا رتبہ اور درجہ زیادہ ہے, تمہاری پوسٹ بڑی ہے, تم تمام مومنوں کی مائیں ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چنیدہ خواتین ہو جو لائی گئی ہو, تو اس اعتبار سے کوئی بھی سری ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ, اپنے لفظوں سے بھی کوئی تکلیف دینے کا سوچے نہیں جس سے رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دگنی سزا کا ذکر کیا اور اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی. اگر سزا دگنی ہے تو اجر بھی دگنا ہے, کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے, ان کا رتبہ زیادہ ہے, ان کا درجہ زیادہ ہے, ان کے عمل کی قدر و قیمت بھی بہت زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دگنے اجر کی خوشخبری دی ہے اور عزت کی روزی. عزت کی روزی کیا ہوتی ہے بیٹے؟ اس لفظ کو نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجیے. ہر شخص کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اب وہ جو نعمتیں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں, ایک نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور ان کو وہ استعمال کرتا ہے بخوشی, وہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ مل جاتی ہے, اور ایک وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان چھین کر لیتا ہے یا کسی دھاپ مار کے لیتا ہے, مل وہ بھی جاتی ہے, لیکن اعزاز اور اکرام کے ساتھ کسی کو دیا جائے کچھ, اس
उसका ऑनर, उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। जैसे आप इसको समझ लीजिए कि आपका जब एनुअल रिजल्ट अनाउंस होता है, तो अगर एक सेरेमनी है, कोई तकरीब है, उसमें आपको बुलाया जाए और बड़े इज्जत और इकराम के साथ आपको जो पोजीशन मिलती है, अगर आपने कोई अच्छी पोजीशन मिली है, उस हिसाब से वो पोजीशन अनाउंस भी की जाए अच्छे अल्फाज में, तो वो एक वैल्यूएबल चीज है, वो एक ऑनरेबल चीज है जो आपको दी जाती है। तो उस ऑनर और उस इज्जत की जो वैल्यू होती है, उसकी जो कदरदानी है, वो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया कि इज्जत की रोजी है। दुनिया में भी उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, उनका मर्तबा बुलंद है, उनका मकाम बुलंद है, उनका दर्जा बुलंद है, और इस एतबार से आखिरत में तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन अजर का वादा किया। ठीक है, जी फातिमा आगे पढ़ेंगे। يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें ना करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है, कोई उम्मीद ना पैदा करे, और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो। ठीक है, आगे भी पढ़ लें, ये आदाब है जो सिखाए जा रही। अगली आयत पढ़ लें। وقرن في بيوتكن فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا। और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में मैं इजहार तजम्मुल करती थी, उस तरह जीनत ना दिखाओ, और नमाज पढ़ती रहो और जकात देती रहो, और खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करती रहो। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, खुदा चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल साफ कर दे। ये वो आदाब हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अल्लाह ताला ने सिखाए हैं। ये आपको क्वेश्चन में भी आएंगे, और वैसे वजाहत के एतबार से भी कि तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी शख्स से, अजनबी शख्स से नर्म नर्म बातें ना करो, ताकि वो शख्स किसी तरह का मर्ज है, कोई उम्मीद ना पैदा करे, दस्तूर के मुताबिक बात किया करो, और अपने घरों में ठहरी रहो। जाहिलियत के दिनों में जिस तरह इजहार तजम्मुल करती थी, उस तरह जीनत ना दिखाओ। इजहार तजम्मुल का मतलब यह है कि आप वो जीनत जो अल्लाह ताला ने जिसको छुपाने का हुक्म दिया है, उसको जाहिर ना करें। मतलब ऐसा लिबास ना पहनकर निकले जिससे और लोगों की निगाहें आपके ऊपर उठे। जरूरत के तहत निकलने की जरूर इजाजत दी है अल्लाह ताला ने, लेकिन उसमें लिबास ऐसा हो जो साफिर हो, आपका आपकी बॉडी कवर हो, और कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी अट्रैक्शन वाली चीज आपने ना पहनी हो जिससे और लोगों की तवज्जो खवातीन की तरफ हो। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि कोई भी शख्स आपको ये समझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात ये कि अब आप ये देख लीजिए कि जो लोग इजहार तजम्मुल करते हैं, या जो खवातीन निकलती हैं इस तरह से, वो जाहिलियत का तौर अपनाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी आज का मॉडर्न दौर है तो जैसे मर्जी लिबास पहन के आ जाओ। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा लिबास के मामले में खवातीन नहीं, मर्दों को भी बहुत से आदाब सिखाए हैं। तो उसमें अपने जिस्म का सतर ढांपना, अपना जिस्म ढांपना, इस तरह का लिबास ना पहनना जिससे कोई अट्रैक्ट हो, तो ये सब चीजें अल्लाह ताला ने मना फरमाई, और इसको जाहिलियत का तौर तरीका। इसका मतलब ये कि मॉडर्निज्म ये नहीं है कि इंसान इस्लामी तौर तरीकों को छोड़ दे, बल्कि इस्लाम एक मॉडर्न दीन है, एक जदीद दीन है, और वो उन तमाम चीजों को
मद्देनजर रखता है, उन तमाम बातों को मद्देनजर रखता है जो किसी भी शख्स के हक में नुकसानदेह हो सकती है, वो मर्द हो खवातीन हो। और यहाँ खवातीन को और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मुखातिब करके ये बातें सिखाई गई है आदाब में। और नमाज पढ़ती रहो, नमाज कायम करना जैसे मर्दों के लिए जरूरी है ऐसे खवातीन के लिए भी जरूरी है। पांच वक्त की नमाज वो बाजमात नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज का क्याम बहरहाल फर्ज है कि वो अपने मुकर्रा औकात में नमाज की अदायगी का इंतजाम करें। फिर ज़कात अदा करना जैसे मर्दों के लिए जरूरी है ऐसे खवातीन अगर साहिब निसाब है तो ज़कात की अदायगी उनके लिए भी जरूरी है। अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदार रहो। और अल्लाह ताला ने फरमाया पैगंबर के अहले बैत यानी पैगंबर के घर वालों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल हो जाए, वो नापाकी जिस्मानी भी और ज़हनी भी और अखलाकी भी और रूहानी भी दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। और जो आदाब सिखाए हैं अल्लाह ताला ने यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को, वो उनके लिए खुसूसन और हमारे लिए अमूमन वही आदाब है। ठीक है, लास्ट आयत है आयत नंबर 34, हबीबुल्लाह पढ़ें। واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی اللہ کی ہر آیت حکمت سے بھرپور ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، بے شک اللہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، جو علم سیکھنے کا، جس طرح علم سیکھنے کا سلسلہ مردوں کے لیے ہے اسی طرح خواتین کے لیے ہے۔ جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی آیات پر غور کرو اور حکمت کی باتوں کو اپناؤ، اسی طرح خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی باتوں کو پر غور کرو اور حکمت کی باتیں یاد رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلوں کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے سوچ کو، تمہاری ذہن کو ہر طریقے سے بہت اچھی طرح آبزرو کرنے والا بھی ہے، اس کے مشاہدے میں بھی ہے، اور وہ ہر ایک سے باخبر ہے۔ ہر انسان کے دل میں پیدا ہونے والے پیار سے بھی وہ باخبر ہے، اس کی نیت سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ سب باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آداب دی، حکمت کی باتیں ہیں، یہ آداب ہیں، ان کو غور کرو، ان پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہمارا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ آگے ہماری لائیو کلاسز سٹارٹ ہوں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ آپ لوگ دوبارہ اسکول آئیں اور خیر اور عافیت کے ساتھ آئیں اور ہم اس کو پھر اور اچھے طریقے سے پڑھیں۔ ابھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں۔ اس سیٹرڈے کو کلاس ہوگی نا؟ نہیں بیٹے، اس کمنگ سیٹرڈے کو کلاس نہیں ہے ہماری، آج آن لائن کلاسز ہماری، کل جو پیریڈ جن کے ہیں ان کی کلاسز ہیں کل تک ہے ہمارا آن لائن کا سیٹ اپ، باقی جونیئر کلاسز کے لیے ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں کا چونکہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ کمنگ ویک ہے، تو اس اعتبار سے آن لائن کلاسز آج ہماری یہاں پر فالو ہوگی۔ سیٹرڈے کو نہیں ہے، کمنگ سیٹرڈے کو کلاس نہیں ہے۔ اب لائیو بھی ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے اسکول میں۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، anything you want to ask it? Batai beta, koi question, koi confusion hai to pooch lo۔ kuch nahi poochna abhi, bola aapne notes nahi liye beta۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔